हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा X8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। तो गाइज ये एंड्रॉयड वॉच है, इसमें आपको कैमरा, आप नेट यूज़ कर सकते हो, सिम डाल सकते हो और यहाँ आपको 16 GB में वॉच मिल जाती है और वॉच के बैक में आपको कुछ ऐसा देखने मिलता है। तो अब मैं आपको वॉच ओपन करके दिखा देता हूँ, मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा दूंगा और प्राइस इसका काफ़ी कम है। तो X8 अल्ट्रा का आपको यहाँ मैनुअल मिल जाता है, तो यहाँ आपको पूरी इसकी बुकलेट मिलती है X8 अल्ट्रा की। इसमें एक जगह चाइनीज पे लिखा है और एक जगह इंग्लिश में। तो यहाँ आपको इसमें ऐसी बुकलेट मिलती है, यहाँ आपको X8 अल्ट्रा लिखने मिलता है, यहाँ इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है और ये वॉच के फंक्शंस के बारे में है और फिर यहाँ से आपको कौन सी सिम कार्ड डालनी है वॉच में, यहाँ ये सब लिखा होता है। अब आपको यहाँ मिल जाती है वॉच, तो वॉच में आपको यहाँ एक बेल्ट मिलती है जो कि ओरिजिनल अल्ट्रा की बेल्ट है और यहाँ आपको एक पिन वाला चार्जर देखने मिल जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पिन वाला आपको चार्जर देखने मिल रहा है और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको एक केस मिल रहा है वॉच का, प्लास्टिक का, जिससे आप वॉच को प्रोटेक्ट रख सकते हो और यहाँ आपको देखने मिलती है वॉच। तो मैं यहाँ आपको वॉच देखने मिलती है और ये वॉच एक छोटा आपको स्टैंड भी देखने मिलता है क्योंकि वॉच में कैमरा है, तो कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ से आपको वॉच ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ आपको वॉच देखने मिलती है जो कि अल्ट्रा वॉच है। तो यहाँ पे आपको एक सिम कार्ड ट्री भी मिलती है, पर ये काफ़ी छोटी है और इसमें सिम लगाने में काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि बार बार गिर जाती है। आपको वॉच के ये साइड स्पीकर मिलता है जो कि बिल्कुल अल्ट्रा वॉच में भी मिलता है और यहाँ आपको नीचे कुछ भी नहीं, एकदम ओरिजिनल कॉपी के जैसी है। यहाँ आपको माइक्रोफोन मिलता है, ये शो के लिए शेप है बस, और ये क्राउन आपको वर्किंग मिल जाता है। पीछे आपको यहाँ हार्ट रेट सेंसर, कैमरा देखने मिलता है जो कि 8 MP का है और यहाँ पे आपको मिलता है पिन वाला चार्जर का पॉइंट और यहाँ आपको सारे स्क्रू देखने मिलते हैं जो कि ओरिजिनल वॉच में भी देखने मिलते हैं। पर इस वॉच में एक और ख़राबी है, इसका कैमरा उन्होंने ऊपर देना चाहिए था ताकि आप वॉच को पकड़ के ऐसे फ़ोटो खींच सको, पर आपको वॉच में ऐसी फ़ोटो खींचनी पड़ेगी वॉच को टेढ़ा करके। तो अब मैं वॉच को ऑन करके दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ सबसे पहले हेलो लिख के आता है वॉच में। इसे चालू होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो एंड्रॉइड स्टार्टिंग अप लिख के आ चुका है वॉच में। आपको यहाँ चार्जिंग देखने मिल सकती है वॉच में, आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको वॉच फेसेस देखने मिलेंगे, आपको बस यहाँ से स्वाइप करना है। तो यहाँ से आप सारे वॉच फेसेस देख सकते हो वॉच में, इसमें इतने वॉच फेसेस ऑलरेडी वॉच में ही है और ये वॉच फेसेस मैंने डाउनलोड किए हैं क्योंकि यहाँ आप कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो और यहाँ से आप ऑनलाइन फ़ोटो भी लगा सकते हो। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन लोड होगा, तो इसमें से आप कुछ वॉच फेस डाउनलोड कर सकते हो वॉच में डायरेक्ट। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा वॉच में। यहाँ से आपको ऊपर मैसेजेस देखने मिलते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपको मैसेजेस कैसे गेट करने फ़ोन के। और यहाँ से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, इसमें वाईफाई, चार्जिंग और ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर सकते हो, फ्लाइट मोड है, NFC मोड है इसमें, वाईफाई भी आप ऑन कर सकते हो डायरेक्ट। और यहाँ से आप स्वैप करोगे तो सारे ऐप्स। तो कुछ कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि X8 अल्ट्रा में प्ले स्टोर नहीं चलता है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे प्ले स्टोर वर्क करेगा इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ वॉच में। तो यहाँ कैमरा ओपन हो चुका है, अभी कैमरा ओपन होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो आप देखोगे तो इसका कैमरा ओपन हो गया है, ये देखिए फ़ोन दिख रहा है और यहाँ आपको बॉक्स दिख रहा है, तो आप फोटो क्लिक कर सकते हो और यहाँ फोटो सेव हो जाती है गैलरी में। तो गैलरी में मैंने ये सब फोटोज टेस्ट करने के लिए खींची थी, तो आप यहाँ से फ़ोटो देख सकते हो, एडिट कर सकते हो जो भी फ़ोटो आपने वॉच में खींची है और इसमें गैलरी का भी ऑप्शन है और आप इसमें वीडियोस भी ले सकते हो। तो आपको इसमें अलार्म मिलती है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउज़र मिलता है इसमें। मैं इसको एक बार नेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लूँगा, बस आपको वाईफाई ऑन करना है और ये कनेक्ट हो जाती है। तो गाइस आपको इस वॉच में क्रोम मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, ब्राउज़र मिल जाता है, आप कैंडी क्रश प्ले कर सकते हो, फेसबुक इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था पहले से ही, इसमें इंस्टाग्राम मैंने इंस्टॉल किया है, लूडो किंग भी मैंने इंस्टॉल किया है। तो आप इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हो वॉच में। पहले मैं आपको प्ले स्टोर दिखा देता हूँ, तो यहाँ आपको प्ले स्टोर दिखने मिलता है। तो प्ले स्टोर को मैंने अपनी ID से लॉगिन कर लिया है, यहाँ आपको मेरी ID भी दिख रही होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि X8 अल्ट्रा में आपको लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि X8 अल्ट्रा वॉच में
प्ले स्टोर लॉग इन नहीं हो रहा है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखोगे तो वाईफाई हॉटस्पॉट आपको ये देखने मिलता है। लोकेशन अभी यहाँ से आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, स्क्रीन की टाइम आउट बढ़ा सकते हो कि स्क्रीन कितनी देर तक चालू रहेगी, थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो, पासवर्ड सेट कर सकते हो, SOS के लिए आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, बैटरी यूजेज चेक कर सकते हो, फिर यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो वॉच को। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको यहाँ जाना है वायरलेस अपडेट के ऑप्शन में। जैसे आप वॉच को ओपन करोगे, आपको वायरलेस अपडेट के ऑप्शन पे जाके वॉच को अपडेट करना है। अगर वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो प्ले स्टोर ओपन नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे ही प्ले स्टोर ओपन हो जाता है, आपको अपनी ID से साइन इन कर लेना है। इसमें आप स्नैपचैट भी ऑन कर सकते हो, क्योंकि इस वॉच में आप देखोगे तो स्नैपचैट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैमरा भी है। तो मैं आपको YouTube ऑन करके दिखा देता हूँ वॉच में। तो यहाँ YouTube ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हो इवन कि इसमें शॉर्ट्स भी दिख रही है। तो आप कोई भी शॉर्ट प्ले कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाली प्ले करूँगा तो ये लोड हो रही है, तो आप ऐसी कोई भी शॉर्ट प्ले कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें आवाज़ भी आ रही है, आप स्वाइप भी कर सकते हो उसको। तो यहाँ से दूसरी वीडियोस ऑन हो जाती है। तो आप पूरा जैसे फ़ोन में ऑपरेट करते हो, वैसे आप ये वॉच में भी ऑपरेट कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक गेम भी प्ले करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको वॉच की स्मूथनेस का मालूम पड़ेगा कि वॉच कितनी स्मूथ है। और गाइस, इस वॉच का जो प्राइस है वो मैंने इसको 3000 रुपीज़ में परचेस किया था। तो गाइस, आप 3000 या 3000 के अंडर भी इसको परचेस कर सकते हो। और ये वॉच आपको 16GB मेमोरी के साथ मिलती है, जो कि आप देख सकते हो कि इसमें गेम ऑन हो चुकी है। तो अब आप इजीली इसको प्ले कर सकते हो। तो आप देखोगे तो वॉच में काफ़ी स्मूथ चल रही है, पर अगर आप नेट ऑन रखोगे तो इतनी स्मूथ नहीं चलेगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको नेट ऑन नहीं करना है वॉच में जब आप गेम प्ले करते हो, क्योंकि गाइस वॉच में ज़्यादा लोड अगर आप डालोगे तो वॉच लैग होने लग जाएगी। तो गाइस, वॉच में साउंड काफ़ी अच्छी है, इसमें आप काफ़ी सारे ऐप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो वॉच में। आपको जो भी गेम चाहिए आप वो डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई भी ऐप चाहिए आप डायरेक्ट इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि डाउनलोड करना है तो आप उसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो वॉच में। तो ऐसी आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो। मेरे को पर्सनली वॉच बहुत ही पसंद आई है। और गाइज, मैंने इस वॉच का प्राइस भी बता दिया था। और फाइल एक्सप्लोरर में मैं आपको इसकी मेमोरी दिखा देता हूँ। यहाँ लोकल स्टोरेज का ऑप्शन है, तो आप देखोगे तो 16GB इसमें इंटरनल मेमोरी है। तो गाइज, ये थे पूरे फीचर X8 अल्ट्रा के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।